हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम केक तो बना लेते हैं, लेकिन जब केक को सजाने की बारी आती है तो हम घबरा जाते हैं। हमें केक को किस तरह से डेकोरेट किया जाए, तो उसके लिए आज मैं आप सबके लिए चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लेकर आई हूँ, जिसे आप सिंपल कोको पाउडर से बना सकते हैं। ये बनाने बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में आप इसे बना कर रख सकते हैं, और जब चाहे तब इसे यूज़ करें। आप इसे फ्रिज में 2 वीक तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में बिना नमक का बटर, ये बटर घर का बना हुआ है, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें घर में ही पीसी हुई चीनी, कोको पाउडर, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर डाला है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाएं, ध्यान रहे फ्लेम लो पर ही रहे, नहीं तो कोको पाउडर जल सकता है। इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे से मिलाते हुए बटर के पिघलने तक मिक्स करते रहें। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे बटर पिघलता जा रहा है और यह एक पेस्ट के रूप में आ गया है। इस बात का खास ध्यान रखें, फ्लेम को बिल्कुल भी तेज ना करें। अब हम यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम डाल देंगे। मैंने 25% वाली अमूल फ्रेश क्रीम ली है, जो ब्लू पैक में आती है, और उसे भी धीरे धीरे फ्लेम कुक करेंगे। ध्यान रहे फ्लेम हमेशा लो पर ही रहे, और हमें इसे बॉईल नहीं करना है, बस अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही पकाना है। देखिए कितना बढ़िया गनाश बनकर तैयार हुआ है। हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग करीब करीब तैयार है। ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, इसे अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो यहाँ पर एक विस्कर की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, वनीला एसेंस डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। देखिए कितनी सिल्की और स्मूथ चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ पे सिर्फ कोको पाउडर से ही ये बना लिया है। आप ये सीधे से पतला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार, कंसिस्टेंसी के अनुसार इसमें दूध डालें, और आपकी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब इसे ठंडा करें और इसे आप फ्रिज में 2 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर करीब से आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। अब ये पाइपिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने यहाँ पर 3 तरह के आइसिंग बैग्स में स्टार नोजल डिफरेंट डिफरेंट शेप की रख दी है, और इसे मैंने तैयार कोको फ्रॉस्टिंग से भर दिया है। फ्रेंड्स, यदि आप सिर्फ केक पर पोर करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध मिलाएं, उसको हल्का सा 30 सेकंड के लिए गर्म करें माइक्रोवेव में, और आपकी पोरिंग कंसिस्टेंसी वाली चॉकलेट सॉस तैयार हो जाएगी। तो यह बिल्कुल आपकी चॉइस पर डिपेंड है कि आपको किस तरह की चॉकलेट फ्रॉस्टिंग चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 तरह के पाइपिंग बैग्स भर लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस तरह से यह हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी सुंदर बनकर आई है। आप भी इसे बड़ी आसानी से और बहुत कम इंग्रेडिएंट से घर पर बना सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप इसे 2 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, और जैसी चाहे वैसे कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप इसमें दूध मिलाएं और इच्छा अनुसार इसे यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इस बार केक को सिंपल ना सर्व करें, इस चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से सजाएं और अपने सभी प्यारे घर वालों, मित्रों के साथ में इसे एंजॉय करें। थैंक यू।